दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यूनो मोबाइल एप्लीकेशन का एक्टिवेशन कैसे करेंगे इस वीडियो में इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इस तरह के और भी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यूनो SBI का ये एप्लीकेशंस को एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और वहाँ से दोस्तों यूनो SBI को इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, प्लीज़ सेलेक्ट योर प्रोसेस। तो दोस्तों आपको एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर वाले ऑप्शंस को क्लिक कर देना। यहाँ पे दोस्तों सिम सेलेक्ट करने का ऑप्शंस मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे उस वाले सिम को सेलेक्ट करना है जो आपके बैंक से रजिस्टर है। तो सिम को सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन से नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर रिचार्ज होना चाहिए, चूँकि यहाँ पर मेन बैलेंस 3 से 4 रुपये कट जाते हैं। इतना करते ही आपके मोबाइल नंबर को बैंक के तरफ से वेरीफाई कर लिया जाएगा। अगला स्टेप में इंटरनेट बैंकिंग को क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जाने के बाद में दोस्तों रजिस्टर फॉर यूनो विथ माई ATM कार्ड पे आपको क्लिक करना है। अब अगला स्टेप में आपको अकाउंट नंबर को यहाँ पर फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर नीचे आ कर के क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट में क्लिक करते ही आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक OTP आएगा, तो दोस्तों उसे यहाँ पे फिल कर देना है या फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप सबमिट वाले ऑप्शन पे आकर के और सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही सेलेक्ट ट्रांजेक्शन राइट्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है और इसे नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से नेक्स्ट कर लेता हूँ और अगला स्टेप को बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको ATM कार्ड का डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको लास्ट ATM का 6 डिजिट को यहाँ पे फिल करना होगा और यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट को फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और दोस्तों यहाँ पर अपने ATM का जो पिन है उस पिन को यहाँ पर फिल करेंगे। ATM पिन फिल करने के बाद में सबमिट करेंगे और दोस्तों यहाँ पे सेट इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, जहाँ पे दोस्तों आपको यूज़र नेम और एक पासवर्ड को क्रिएट कर लेना होगा। तो दोस्तों इसको कैसे क्रिएट करना है ये आपका नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसको देख करके और समझ करके आप यहाँ पे नया यूज़र आईडी और पासवर्ड को बनाएंगे और सबमिट कर देंगे। चलिए यहाँ से मैं सबमिट कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद में इसका अगला जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 6 डिजिट का MPIN को सेट करना होगा। इसके लिए दोस्तों सेट MPIN पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इतना करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे सेट न्यू MPIN का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको 6 डिजिट का पिन को क्रिएट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से पिन को क्रिएट कर लेता हूँ और क्रिएट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP सेंड कर दिया जाएगा, उसको यहाँ पे फिल कर देना है और दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर ओके करना है दोस्तों और नेक्स्ट कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पे इंटर MPIN का ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपने MPIN को सेट किया था उस MPIN को यहाँ पे फिल कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यूनो प्ले यूनो कैश, इसको दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट आप करते जाना है आपको और यहाँ पे आप कम्प्लीटली लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन होते ही इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। दोस्तों यहाँ पे SBI का कई सारे ऐसे सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसको दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से यूज कर पाएंगे। यहाँ पे आप अकाउंट हिस्ट्री को देख सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं दोस्तों और यहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे यूनो SBI का एक्टिवेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।